सो हेलो किसके आज उस वीडियो को स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं ओल्ड बेसन में लैंड करता हूँ एंड आज सिर्फ एक ही गेम प्ले होने वाला है। मैंने पहले ही बता दी ये चीज़, आई गेस वीडियो की लेंथ देख के भी तुम्हें पता चल गया होगा, बट यू नो तुम सबको पता है कि जब सिर्फ एक गेम प्ले है तो भाई कुछ तो बात होगी ज़रूर। एंड नो डाउट भाई इस गेम प्ले में है वो बात, तुम देखते जाना। मैं मतलब मुँह से तो एक्सपोज स्पॉयलर नहीं दूंगा, बट आई गेस टाइटल में तुम्हें स्पॉयलर मिल गया होगा कि इसमें मतलब कितने किल्स होने वाले हैं। बंदा थोड़ा और पास होता ना तो शायद मैं खत्म था, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था, तब जाके ये डैमेज गया। फाइन, दो ही किल मिलते हैं यहाँ से। वैसे तो इतने हाई किल्स बता रहा हो और सिर्फ दो ही किल मिले हो ड्रॉप से, बट रुको यार, थमो तुम लोग, बता रहा मजा आने वाला है। बंदा स्पॉट हुआ सामने मेरे को, है भाई ये क्या हुआ है यहाँ पे? सच में जैसे मैंने गाड़ी रोकी ना, मैं खुद सोच रहा था कि यार मैंने हक दिया लगता है, बिल्कुल इसके मुंह के सामने लिटरली मैं गाड़ी से उतरा हूँ, खत्म हो अब तो। पर ना ही ये बंदा मेरे पे ध्यान दे रहा है और ये जिन पे शूट करा वो भी ना मेरे पे ध्यान दे रहे। भाई फोकट में मरे लोग, और इस घर में अभी भी बंदा है, मैंने तो जस्ट ऐसे रैंडम फेंका था। ये तो बोर था, मुझे लगा ये भी रियल था, बट फाइन चार किल्स मिल जाते भाई थर्डल से, तो एक तरह से सही मतलब किल्स हो गए मेरे। अभी डेढ़ मिनट बाद मैं आ जाता हूँ स्टेडियम की तरफ, मिलते हैं भाई यहाँ पे बंदे। अपार्टमेंट की तरफ जाने वाला था बट लेफ्ट से देखो हल्के फुल्के गन शॉट की आवाज़ आई, मतलब ऐसा लगा बोट है ना भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया हूँ तो अपार्टमेंट तो चेक कर ही जाता हूँ। अपार्टमेंट कोई था नहीं, लेकिन ये जरूर रियल लग रहा है मेरे को। अब लिटरली इस टाइम पे मेरे को बस यही फीलिंग आ रही थी कि कहीं से भी पड़ सकती है, क्योंकि कतई ही ओपन में लैंड कर गया मैं। एग्जैक्टली ऐसा हुआ, उसके ऑटो स्प्रे मारने से पहले सही मैं कवर में आ गया, मतलब ये थोड़ा ऊंचान नीचान है यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कवर मिल जाता है रिज का। और क्या ये था वो बंदा? भाई ये तो बोट लग रहा है, भागने से बोट लग रहा है, मैं नहीं मान सकता ये था वो बंदा जिसने ऑटो स्प्रे मारा। सैडली यही था वो, G36 है इसके पास और वो G36 ही चला रहा था पहले भी, तो रिस्क नहीं ले सकते भाई, पूरा 100% देके मारूंगा भले ही एक्चुअल बोट क्यों ना हो। अब इस बीच तुमने सुना हो पीछे से भी गनशॉट्स की आवाज आ रही थी, अभी देखा जाए तो मेरे ठीक सामने, डरा दिया भाई इस बोट ने। अब शायद तुम समझ गए मैं किस गन शॉट की बात कर रहा था, ये बंदा पहले भी एक दो बार गोली चला चुका है, इसका मेरे को बहुत डर है कि भाई मार सकता था ये, बट इसने पता नहीं क्यों गोली नहीं चलाई मेरे पे, बट अब जरूर चलाएगा ये। शायद इसने वहां किसी बॉट को नॉक करा तो कई बार किल चोरी कराते हैं, फिर देखेंगे उसे। इसके इतना पास आने के बावजूद पीछे से गनशॉट्स की आवाज आ रही है, तो पीछे अभी भी है कोई ना कोई, एंड वो बंदा वहां से हिल के नहीं दे रहा यार, तो मैंने यही सोचा सीधा तो नहीं जाऊंगा, फ्लैंक मार के जाता हूं उसी तरफ जहां से गनशॉट्स की आवाज आ रही है। कहीं ना कहीं शैक की तरफ से आई थी मे बी, बस के पास क्या है? वो तो नहीं है ये? नहीं नहीं नहीं, ये तो वही बोट, ना ना ये तो वही बोट है, बट इस बोट ने जरूर रिवील जरूर कर दिया इस बंदे को। अब तो मैं 100% श्योर हूँ या तो शैक के पीछे वो है यहीं पे 5-10 मीटर आगे पीछे होगा। अबे नकली स्पॉट हुआ तुमको, नाम इतने स्टाइलिश रख लेंगे और काम देखो तो बस क्या ही बताऊं। लेटा है बंदा इतनी देर से, 5 मिनट से यहाँ पे लेटा है, भाई कैसे इंजॉय कर पा रहा है तू गेम को? 11-11 का स्कोर हो जाता है, मैं बात थर्ड जोन यहीं पर बनाया तो मजा आएगा, बट साइड में देखो राइट साइड इस बंदे को मैं नहीं दिखा क्या? और कुछ लंबारी सी ले रहा है, कुछ कैडा सा वेपन दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली AWM होगी सप्रेसर के साथ कोई भी स्नाइपर, बट मैं बता रहा
आरपीजी है भाई, इतनी बड़ी स्नाइपर भी नहीं होती, आरपीजी है उस बंदे के पास। और अगर मेरे में आप देखोगे तुम, या फिर मे भी आवाज़ आ गई होगी हेडफोन्स के साथ सुन रहे हो, तो एक डाशी की आवाज़ भी आती है, तो मे भी इसकी टीम हो वो, या फिर लफड़ा हो जाए इनका ही। बिल्कुल नहीं भाई, इनकी पूरी टीम है ये दो तीन बंदों की, है ना, और लूट रहे हैं, आरपीजी भी इनके पास। बस इस वाले ड्रॉप से एक और आरपीजी ना मिल जाए, नहीं तो आई एम डेड। मैं लीव कर रहा हूं, एग्जिट कर देता हूं अभी खुद ही। एक को तो डैमेज गया, एंड यहां जाके मेरे को पता चलता है इस पॉइंट पे कि इस घर में ऑलरेडी एक बंदा है। मुझे लगा था सारे बाहर है, बट यहां ऑलरेडी बंदा है। मेरे मैप देखो, फुटस्टेप आ रहे हैं। ये आरपीजी ना भाई बहुत अनफेयर है ये वेपन मेरे साथ ना, मतलब जितनी बार चला तो 10 में से 7 बार नहीं चलता भाई अच्छे से। मैं इतना ट्राई कर लेता तो कभी इसका इसकी गोली हवा में निकल जाती है, कभी धरती में मारूँ तो भी बंदा नहीं मरता, हद है। यहाँ पे इस बॉट को मैंने मारा, और भी एक बॉट्स आते हैं यहाँ पे, एंड फिर मैं निकल जाता जोन की तरफ, जो कि थर्डल में तो नहीं बट थोड़ा सा यू नो ईजी स्ट्रिक वाले एरिया में बना था। एंड मुझे कोई स्पॉट भी है अंदर, मतलब हो सकता है बॉट हो, बट लेट्स सी, बॉट ही है। और एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि शायद आखिरी के 2 प्लेयर्स रियल हों, बट सैडली ये मैच अब यहीं तक ही ठीक गया था, बस थर्ड तक, उसके बाद अब सारे ओटी बोट मिलते हैं। मतलब अंत भला तो सब भला होता है, बट क्या कर सकते हैं, फाइनल ब्लो रियल प्लेयर के साथ मिलते हैं ना, मैच को अलग ही 4 चांद लग जाते हैं, चेरी ऑन टॉप। और यार कर लेते हैं किचन डिनर, एंड काफ़ी दिनों बाद भाई 20 किल्स। आई नो बॉट्स काफ़ी मारे, पर अगर तुम देखोगे तो रियल प्लेयर्स भी यू नो बहुत ज़्यादा मारे मैंने, तो रियल प्लेयर्स का जो बॉट इज़ टू आई मीन रियल प्लेयर्स टू बॉट रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। यही थी आज की वीडियो, होप से तुम्हें मज़ा आएगा, ज़रा से मज़ा आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कुछ भी ऑसम सा तुम कमेंट कर सकते हो, एंड मैं मिलता हूं कल। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, गुड बाय।